हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूँ आपके साथ अंजलि वालियान। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, ये आपकी आज साइंस की क्लास नंबर 6 है। इससे पहले की क्लासेस में हम चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर भी लगभग हमारा आधा कवर हो चुका है। तो आज की क्लास का आपका टॉपिक है कृषि उपकरण। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कृषि उपकरण अपनाए जाते हैं और पारंपरिक कृषि उपकरण पहले कौन से यूज़ होते थे और आधुनिक कृषि उपकरण कौन कौन से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यही सब आज की वीडियो में हम बहुत ही प्यारी छोटी सी आपकी आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। और गाइज, आप सभी वैसे तो कृषि उपकरण के बारे में जानते होंगे, लेकिन ये आपके सिलेबस का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए मैंने इसको नहीं छोड़ा है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हम कुछ भी आपका नहीं छोड़ेंगे। आपको अपनी क्लास के समय अपने साथ में अपना सिलेबस रखना चाहिए और उसमें टिक करते रहना चाहिए कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक कवर हो चुका है। तो हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपका पूरा चैप्टर या फिर पूरी यूनिट, हम आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। सो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे और साथ साथ बात करते हुए चलेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट दिस। सबसे पहले आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यहीं से बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि आखिर कृषि उपकरण क्या होते हैं। कृषि से संबंधित प्रक्रिया या कार्य को करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों को कृषि यंत्र या फिर कृषि उपकरण कहते हैं। ठीक है गाइस, तो आपने कृषि के भिन्न भिन्न कार्यों में अनेक यंत्रों का उपयोग होता है, इन्हें ही कृषि यंत्र कहते हैं, यानी एग्रीकल्चरल मशीनरी कहते हैं। कृषि यंत्रों का प्रयोग किस लिए होता है? खेतों की जुताई के लिए, बुवाई के लिए, खाद और कीटनाशक डालने के लिए, सिंचाई करने के लिए, फसलों की सुरक्षा करने के लिए और फसलों की कटाई, मंढाई, ढुलाई आदि इन सभी कामों के को करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कृषि यंत्र। ठीक है, बहुत सारे कृषि यंत्र होते हैं जिनमें ट्रैक्टर जो है काफ़ी प्रमुख माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे उपकरण उसी की हेल्प के कारण ही चल पाते हैं। तो इसीलिए कृषि के एक महत्वपूर्ण हिस्सा ट्रैक्टर माना जाता है कृषि यंत्रों का। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब हम जानने वाले हैं कि पारंपरिक कृषि उपकरण यानी पहले ज़माने में जब कृषि की शुरुआत हुई या फिर कह लीजिए अब से कुछ साल पहले तक किस तरह के उपकरण कृषि में प्रयोग किए जाते थे, तो उन्हीं की बात करते हैं। सबसे पहले, हमारा भारत देश गाँव का देश है। गाँव में रहने वाला हर एक परिवार खेती करता है। कम लागत में पारंपरिक कृषि करने के लिए पूरा परिवार एक साथ कार्य करता है, जिससे सभी को रोजगार भी मिलता है और पारंपरिक कृषि के उपकरण बहुत ही सरल और सहज होते हैं। कौन कौन से होते हैं पारंपरिक कृषि उपकरण, यानी जो पहले यूज़ किए जाते थे, वो कौन कौन से हैं? जैसे हल, फावड़ा, हंसिया, कुल्हाड़ी, कलारी, इस तरह के कुछ उपकरण होते थे, ये पहले ज़माने में प्रयोग किए जाते थे। अब इन्हीं के नए तरीके के उपकरण प्रयोग किए जाने लगे हैं। और पहले क्या होता था, पारंपरिक जो कृषि उपकरण होते थे उनमें सबसे ज़्यादा हल का प्रयोग किया जाता था। अब इस तरह का बैलों वाले हल का प्रयोग आपने देखा होगा बहुत ही कम लोग करते हैं, जिनके पास ज़्यादा सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। ठीक है, वही प्रयोग करते हैं, लेकिन ये पारंपरिक कृषि का उपकरण माना जाता है। किसान बैलों से खेती करते थे, पहले गोबर की खाद काम में ली जाती थी। और जैसे पारंपरिक कृषि में क्या होता था, अपने हाथों से ही सारी फसलों की बुवाई, कटाई, सब कुछ जो है वो खुद करते थे। अब क्या होता है, अब मशीनों का प्रयोग होता है। पहले की तरह नहीं होता कि खुद ही सारा काम करते थे, उनका मशीनों फसलों की कटाई, बुआई और उनको ढुआई का काम उनका सब कुछ वो स्वयं करते थे। लेकिन अगर बात की जाए आधुनिक कृषि की, तो देखते हैं क्या क्या बदलाव आए हैं पहले से अब तक कृषि के उपकरणों में, या कृषि करने के जो तरीके होते हैं उनमें कौन कौन से बदलाव आज के टाइम में आए हैं। ठीक है, खेती में विज्ञान की नई नई खोज से अधिक उपज ली जाने लगी है। पहले जैसे अब हल नहीं चलते, अब ट्रैक्टर व आधुनिक मशीनों का खेती में उपयोग होने लगा है। ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं आधुनिक कृषि की जो पहले नहीं थी?
अब ट्रैक्टर व आधुनिक मशीनों का खेती में उपयोग होने लगा है। बिल्कुल, आज कई तरह की रासायनिक खादों का खेती में उपयोग हो रहा है। पहले सिर्फ गोबर की खाद ही प्रयोग में लाई जाती थी, लेकिन अब कई तरह की रासायनिक खादें जैसे यूरिया, ये सभी प्रयोग किए जाने लगे हैं अधिक उपज बढ़ाने के लिए। ठीक है, उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान विज्ञान का उपयोग करने लगे हैं कि किस तरह की खेती कब किस टाइम पर करनी चाहिए। कई सारे उनके लिए जो है हेल्पलाइन या फिर उनकी सुविधा के लिए ऐसे किसानों के लिए केंद्र बना दिए गए हैं कि उनकी अगर कोई भी समस्या होती है वो वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से उनकी मदद की जा रही है, उनको प्रमोट किया जा रहा है कृषि करने के लिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसी में आधुनिकता ला दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक कृषि में ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर व सिंचाई के लिए ट्यूबवेल द्वारा आधुनिक जुताई की विधियों का प्रयोग किए जाने लगा है। ठीक है, ये बहुत सारे आपके सामने क्या है, आधुनिक कृषि उपकरण है। इससे अलग भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन इसे देखकर आपके माइंड में एक इमेज सेट हो जाएगी कि किस तरह से होते हैं। सिंचाई के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा है। तो गाइज, आज की क्लास में हमने यही सीखा कि कौन कौन से पारंपरिक उपकरण होते हैं कृषि के और कौन से आधुनिक है, इन पहले टाइम से अब के टाइम में क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं और कृषि उपकरण किसे कहते हैं, यही सब आज की क्लास में हमने कवर किया है। सो बहुत छोटा सा अच्छा सा टॉपिक था। कल की क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। सो गाइज, आपको अगर क्लास अच्छी लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया कीजिए। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।